राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर भड़की स्मृति ईरानी, कहा राहुल गांधी ने मणिपुर में कैसे लगाई आग बताइए। संसद में लगातार मणिपुर मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी गुस्से में विपक्ष पर निशाना साधती दिखी। दरअसल बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद अमी याग्निक ने स्मृति ईरानी से पूछ लिया कि वह और मंत्रिमंडल में उनकी महिला सहयोगी मणिपुर के मुद्दे पर कब बोलेंगी, जिस पर केंद्रीय मंत्री भड़क गई और उन्होंने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मणिपुर हिंसा के तथ्य छिपा रही है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल ने मणिपुर में आग लगा दी, इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोल रहा विपक्ष। अमी याग्निक के सवाल पर भड़की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि वह इस बात पर घोर आपत्ति व्यक्त करती हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि न केवल महिला मंत्रियों बल्कि महिला राजनीतिक नेताओं को भी मणिपुर के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं बिहार में होने वाली घटनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या वह अमी याग्निक इन राज्यों में महिलाओं पर हुए अत्याचार की घटनाओं पर बोलने का मादा रखती हैं। कांग्रेस पर सवालों की बौछार, स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर ही सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि आप में छत्तीसगढ़ पर चर्चा करने की हिम्मत कब होगी, बिहार में क्या हो रहा है उस पर चर्चा करने की हिम्मत कब होगी, हमें यह बताने की हिम्मत कब होगी कि कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के साथ कैसे दुष्कर्म होता है। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा कि आप में हिम्मत कब होगी कि बताएं राहुल गांधी ने मणिपुर में कैसे आग लगा दी। मंत्री ने कांग्रेस सांसद को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि यदि वह इन घटनाओं पर नहीं बोल सकती तो उन्हें कैबिनेट की महिला मंत्रियों पर संदेह नहीं करना चाहिए। वायरल हुआ वीडियो, आपको बता दें कि स्मृति ईरानी और अमी याग्निक के बीच वार पलटवार का वीडियो वायरल हो रहा है। विपक्ष ने मंत्री के बयान को उनका बौखलाहट बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आज राज्यसभा में मंत्री ईरानी की बौखलाहट देखी गई और ये भी देखा कि आखिर नफरत क्या होती है। आशा है कि मंत्री जल्द ही ठीक हो जाएंगी और उन्हें एहसास होगा कि उनकी देश के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी है।